हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विद अनदर स्टिच। आज का जो स्टिच है वो है सिंधी स्टिच या कच्छी टाँका। इसको कच्छी टाँका क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुजरात के कच्छ रीजन में इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ साड़ियों पर, ब्लाउज पीसेस पर, टेबल क्लॉथ पर, चादरों पर, कुशन कवर्स, पिलो कवर्स और रनर्स आदि बनाने के लिए किया जाता है। ये जो स्टिच है ये एक डिफ़िकल्ट स्टिच माना जाता है और इसका जो इफ़ेक्ट आता है मोस्टली ज्योमेट्रिकल इफ़ेक्ट आता है। स्ट्रेट लाइंस का यूज़ इसमें जो है वो ज़्यादा दिखता है या ज़्यादा हम इसको दिखा सकते हैं स्ट्रेट लाइंस में। ये जो स्टिच है ये एक इंटरलेसिंग स्टिच है। इसका जो बेसिक स्टिच है वो है हेरिंग बोन स्टिच और हेरिंग बोन स्टिच के ऊपर इसको धागे से लेस किया जाता है और जब वो स्टिच पूरा होता है तो लगता है जैसे डिज़ाइन को किसी ने उठाकर कपड़े के ऊपर रख दिया हो। सो लेट अस स्टार्ट विद द हेरिंग बोन स्टिच। ये दो लाइंस मैंने सीधी ड्रॉ कर ली हैं और एक लाइन के एंड से, नीचे की लाइन के एंड से मैंने धागे को ऊपर खींचा है और ऊपर वाली लाइन में एक सीधा रनिंग स्टिच लिया है और उसको धागे को मैंने उसमें से खींच लिया है। इसके बाद में नीचे की लाइन में एक रनिंग स्टिच लिया है और उसमें से धागे को फिर से खींच लिया है। जो भी धागे इसमें आएंगे वो स्लैंटिंग होंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। इसके बाद में ऊपर की लाइन में फिर से एक रनिंग स्टिच और वहीं से इसको नीचे में वहाँ पे। वैसे तो डिज़ाइन बहुत छोटा होता है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसमें एक बहुत बड़ी लाइन में मैं ये स्टिच जो है वो बना रही हूँ। और इसको मोस्टली लच्छी के जो धागे होते हैं उनसे या फिर सिल्क के धागों से बनाया जाता है, लेकिन मैंने इसमें जो बारीक वाली ऊन होती है उसके जो धागे जो हैं वो लिए हुए हैं। ये देखिए, एक लाइन जो है वो हेरिंग बोन स्टिच से पूरी हो गई है। अब दूसरी लाइन बनानी है, वो कैसे बनानी है? अब ऊपर की लाइन से आप धागा लीजिए, लेकिन इस बार अगर आपको इंटरलेसिंग परफेक्ट करनी है बाद के धागे की, तो आपको हर बार ये वाला जो धागा है उसको पहले वाले धागे से के नीचे से लेना है। ये देखिए, और एग्जैक्टली ऊपर का जो क्रॉस बना है ये वाला, इसी क्रॉस के नीचे हमें दूसरा रनिंग स्टिच लेना है। लेकिन इस बार भी देखिएगा, मैं सुई जो हूँ जो है वो धागे के नीचे से निकाल रही हूँ। ये बाद में जब हम इंटरलेसिंग करते हैं धागे की तो कोई भी समस्या जो है वो क्रिएट नहीं करता है। ये देखिए, अब ये वाला धागा, इसके भी नीचे से मैं सुई को ले रही हूँ और ऊपर एग्जैक्ट ये वाला जो क्रॉस है इसके ऊपर दूसरा रनिंग स्टिच। फिर से क्रॉस करने से पहले इस वाले धागे के नीचे से सुई आनी चाहिए और नेक्स्ट वाला जो धागा है ये वाला, इसके नीचे से भी सुई जो है वो आनी चाहिए। फिर से एग्जैक्ट ये ऊपर वाला क्रॉस है, इसके नीचे एग्जैक्ट नीचे क्रॉस आना चाहिए। फिर से देखिए, इसको इसके नीचे से नेक्स्ट वाले धागे के भी नीचे से। देखिए, ये दोनों तरफ से हेरिंग बोन स्टिच लेके ये लाइन इस तरह से दिखती है। आप मुझे
इसको लेस करना है, इंटरलेसिंग करनी है एक नेक्स्ट धागे से। सो अभी मैंने ये धागा लिया और एक इस वाले के ऊपर से और इस वाले के नीचे से एक सिंपल सा इसका रूल है, एक बार ऊपर से लेने का धागे के, बेसिक धागे के, बेस धागे के, और एक बार बेस धागे के नीचे से लेने का। तो देखिए इस धागे के ऊपर से, इस धागे के नीचे से, नेक्स्ट वाले धागे के ऊपर से और उससे अगले वाले धागे के नीचे से। एक बार और ध्यान रखनी है कि जो कोई भी आप लेंगे इसको कभी भी खींचना नहीं है, जो लेस वाला धागा है, अगर आप खींच देंगे तो डिज़ाइन उभर के नहीं दिखेगा। इस तरह से नीचे से और जो पिंक कलर का धागा है, मजेंटा कलर का धागा है, उसके ऊपर से। ये देखिए आप नेक्स्ट इस सिंस इसके ऊपर से आया हुआ है तो नेक्स्ट वाले के नीचे से। नेक्स्ट वाला धागा ये है, इसके ऊपर से और उससे अगले के नीचे से। फिर इसके इस वाले के ऊपर से और इसके नीचे से। ये देखिए इस तरह से इसकी लेसिंग जो है वो होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लाइन है वो पूरी हो चुकी है। ये इस तरह से ऊपर वाली लेस जो है वो आपको दिखेगी। अब हमें इसे टर्न करना है और नीचे वाले ये वाले पार्ट को भी भर देने का है। सो ये देखिए ये इस धागे के नीचे से है, इसके ऊपर से आएगी और इसके नीचे से। फिर ये जो मजेंटा कलर का धागा है इसके ऊपर से और पीले वाले के, येलो वाले के नीचे से। आप येलो वाले के ऊपर से, मजेंटा के नीचे से, फिर मजेंटा के ऊपर से और येलो वाले के नीचे से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चेक की तरह बन गया है। फिर इस तरीके से अगर कहीं पे आपको ढीला लगता है तो उसको आप खींच के ठीक भी कर सकते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। इस तरीके से हम ये पूरी लाइन जो है वो भर लेंगे। ये डिज़ाइन पूरा होने के बाद में कैसे दिखेगा वो मैं आपको क्लोजअप में दिखाना चाहती हूँ। थैंक यू।